हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, तीन मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका ओवरऑल ये सप्ताह कैसा रहेगा। और लास्ट में एंजल जी आपका का जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके एक सवाल का जवाब देंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तीन मूनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि इस सप्ताह ये आपके लिए क्या रहेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यूनिवर्स ही आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है जो चेंज ना हो, जो बदले ना हो। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड। जो आपने जबान दी थी या कमिटमेंट किया था, यूनिवर्स ही आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप उस पर कितना खरा उतरते हैं। उनका टेस्ट लिया जा रहा है। और लास्ट कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, छोटी छोटी बाधाएं, चैलेंजेस जो जो आप फेस कर रहे हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिएगा। वो उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। एक उसके फाइनल रिजल्ट की तरफ देखिए, फाइनल गोल की तरफ देखिए कि वो क्या है, कि वो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक, इमोशंस आर रनिंग हाई। जो आपके इमोशंस हैं वो काफी जो है, आपकी एनर्जी काफी स्ट्रांग होने वाली है, काफी बढ़ने वाली है, काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, अप एंड डाउन मत होने दीजिए, थोड़ा सा हाई मत होने दीजिए, थोड़ा सा उन पर पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। तो हमारे पास इनका ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसका हुआ कि यूनिवर्सिटी जो जो भी आपने जवान दी है या फिर आप मतलब किसी को कमिटमेंट दिया था कि आप ये करेंगे वो करेंगे, तो यूनिवर्सिटी उसका जो है आपसे टेस्ट ले रहे हैं कि आप उस पर कितना खरा उतरते हैं, कितना नहीं उतर रहे हैं। तो उसके लिए जो आपको लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका सवालों का जवाब है। और दूसरा है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है जो समय के साथ, वक्त के साथ ना बदले। समय और वक्त के साथ हर चीज बदलती रहती है। ये नहीं है कि ये लिख दिया गया है कि ये चीज ऐसे ही होगी, नहीं। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर मेहनत ज्यादा करेंगे तो जो एनर्जी जो कहते हैं कि ये आपके लिए बना ही नहीं, तो वो चीज भी आपके लिए बन सकती है। तो तीसरा था, लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे उतार चढ़ाव लाइफ में आते जाते रहते हैं, उन पर ध्यान ना दीजिए। जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल क्लाइमैक्स है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस जो है बहुत हाई हो रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को सोच समझ कर आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं ये सप्ताह ओवरऑल आपका कैसा रहेगा। देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हाई प्रिस्टेस। तो जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हाई प्रिस्टेस। तो अपने इमोशंस थोड़ा सा जो है, आपके इमोशंस अप एंड डाउन जा रहे हैं, यानी कि जो आप कुछ नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, सही फील नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए। आप यकीन मानिए,
धीरे धीरे करके अगर आप योगा एक्सरसाइज करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और धीरे धीरे करके आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। और जो आपको लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। और फिलहाल के लिए आप जो माइंड जो आप डिप्रेशन में, यानी कि कहने का मतलब है आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसके लिए आप अपने विस्डम नॉलेज गेन कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, मतलब अच्छे अच्छा कुछ ऐसा कीजिए कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सके और धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। तो चाहे वो कोई भी काम है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, तो आप अभी रुका हुआ महसूस कर सकते हैं। और लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा रुकावट बाधाएं आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको किसी कोई आपके साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन, तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं या गाइडेंस जो भी आप समझें कि जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या फिर लव रिलेशनशिप है, तो आप महसूस कर चुके हैं कि वो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप स्टक हो चुके हैं, काम चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। तो आप को जो है स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होगी, हीलिंग करना होगा थोड़ा सा, ताकि पॉजिटिविटी आ सके। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, यानी कि अगर या तो अपना नज़रिया चेंज करिए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, उन उन के सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, तो अगर आप अपना नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आपको रुकी हुई लग रही हैं कि चीज़ें रुक रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपका। और जिनके साथ आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अटैचमेंट अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपका जो है बिजनेस या जॉब या करियर जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनके साथ मिलकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो भले ही पैशन और जुनून के साथ अपने काम करते रहिए, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। और ये लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, हमेशा बन ठन कर रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उनका जो नज़रिया है वो आपको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आप अभी भी उनकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं और उस रिश्ते में जाने का एक नया मार्ग, एक नया रास्ता खोज रहे हैं। अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ही सही स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और ये रिश्ता स्लो एंड स्टडी बिन्स तारे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। या फिर जॉब, बिजनेस है, फाइनेंस है, जो भी चीज़ें हैं जो रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, तो अगर आप उसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और जिससे आप को लग रहा है कि आपको उसी के साथ काम करना है, तो उसके साथ मेलजोल बढ़ाकर काम करेंगे तो आपके काम को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया मोड़ मिलेगा, धीरे धीरे करके आप तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। लेकिन फायदे और नुकसान को जरूर देखें, बिना सोचे समझे आगे कदम ना बढ़ाएं। तो देख लेते हैं आपके जो है एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज 3 बार अपने माइंड से दोहराइए, रिपीट कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। एंजल जी उसका आंसर देंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने क्वेश्चन को दोहराइए, इसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका 10 सेकंड शुरू हुई। आप क्या है, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। और अगर आपके साथ मैच होता है तो प्लीज कमिटमेंट, प्लीज क्या बोलते हैं, वर्ड ही भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ी सी टेंशन में हूँ, कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई है,
के जो अपने बहुत रिलेटिव थे, नज़दीकी थे, उनके कुछ ऐसा हो गया है। तो सॉरी, मैं अपने पर्सनल उसमें आ गई, थोड़ा इमोशंस में आ गई। तो आपके सवाल का जवाब था ट्रस्ट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो नीड टू वरी एंड इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स से जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है कि अगर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो अगर तो आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, अस्टक एनर्जी में थे आप, आपको लग रहा था कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं या रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, या आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव और भरोसा करते हैं, तो आपके जो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो स्थिति है, जो आपके इन दिनों सिचुएशन है, उसमें काफ़ी सुधार देखने को आपको मिलेगा एंड नो नीड टू वरी। आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्थिति चली हुई है, जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होगा, लेकिन आपको विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। ये आप पर है कि आप उस पर कितना भरोसा कर पाते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आगे जरूर बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।